सो लोअर प्रेल से ये ट्रेन खुल चुकी है और लोअर प्रेल से ये डायरेक्ट जाएगी वो प्रभा देवी जाएगी, प्रभा देवी और परेल यानी वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन दोनों टच करती है। तो प्रभा देवी स्टेशन जो है वो दो लाइन को टच करती है, वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन को। सेंट्रल लाइन के लिए जाना है जैसे कि आपको थाने, कल्याण, मुमरा, घाट को पर उधर जाना है तो आपको सेंट्रल लाइन यानी परेल से आपको चेंज कर लेना पड़ता है। और अगर आपको अंधेरी, सांता क्रूज, महेंद्रा, विरार, घाट को सॉरी नाला सुपारा, दहानु इस टाइप जाना तो आपको वेस्टर्न लाइन यानी आपको प्रभा देवी से सीधा वो जाते रहती है। आप या तो दादर में भी चेंज कर सकते हो, दादर में भी ट्रेन चेंजिंग का है, वहाँ पे आसान हो जाएगा, लेकिन लोअर परेल में आपको सीट मिल जाएगी खाली, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोअर परेल में ही आप ले लो। थोड़ा आवाज़ स्लो होगा, आप हेडफोन यूज करें ज़्यादा बेहतर होगा, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, वाइब अच्छा के लिए। और 4K में आप ज़्यादा वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं वीडियो 4K में अपलोड कर रहा हूँ और अपलोड में आप क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं, इतना अच्छा होना चाहिए कैसा और वीडियो का क्वालिटी रहेगा। मैं तो 4K से अलावा इससे ज़्यादा 8K तक तो नहीं जा सकता हूँ। ये अभी स्लो ट्रेन आ रही है मेरे सामने से, आप देख रहे हो ये फास्ट ट्रेन। वेस्टर्न लाइन का लिखा रहेगा ट्रेन पे WR यानी वेस्टर्न लाइन, और सेंट्रल लाइन का लिखा रहेगा CR यानी सेंट्रल लाइन। तो आप उसको ट्रेन में ट्रेन के बोगी में जो लिखा हुआ रहता है उसके आप पढ़ करके आप पढ़ सकते हो ये वेस्टर्न लाइन की है और सेंट्रल लाइन की। हम लोग प्रभादेवी पहुँचने वाले हैं, स्टेशन के नज़दीक ही हैं। प्रभादेवी एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पर दो स्टेशन मिलती है। आप थोड़ा फर्स्ट वाले बोगी में चढ़ के आपको ब्रिज से लेकर के लोअर परेल में यानी चेंज कर लेना चाहिए सेंट्रल लाइन के लिए, और वेस्टर्न लाइन के लिए आप ये सेम प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। इधर से चर्चगेट जा सकते हैं, इधर से बोरीवली, विरार, नाला सुपारा, देरी, राम मंदिर, ये सारे स्टेशनों पे आपको जाने की सुविधाएँ मिलती है। यहाँ पर स्टेशन आ चुकी है प्रभादेवी। प्रभादेवी जो आती है वो गेट राइट हैंड साइड आती है, और राइट हैंड साइड में ये गेट होता है। तो गाइज आप बताओ ये वीडियो लोअर परेल टू प्रभादेवी कैसा लगा, और जैसा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं यार, क्योंकि मैं हर स्टेशन का वीडियो मैं शेयर करते रहता हूँ। इस तरह से आपको किसी स्टेशन के बारे में जानकारी लेना है तो मुझे आप कमेंट करें, उस तरह का मैं वीडियो मैं आपसे बना करके आपके साथ शेयर करूँगा। कंपार्टमेंट खाली है थोड़ा। तो गाइज प्रभादेवी के बाद जो स्टेशन आती है वो है दादर। तो अपना प्रभादेवी से ट्रेन खुल चुकी है दादर के लिए, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो में बना देता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं 2 से 3 मिनट के बीच का ही वीडियो में रखता हूँ।